मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सदैव से आप सबको नमस्कार करता हूँ। और आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये पूरे विश्व, पूरे हिंदुस्तान और जितने भारत के दूतावास विदेश में हैं वहाँ पर भी मनाया जाता है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ बातें मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में बताना चाहता हूँ। 1918 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और इस कुछ समय पश्चात 1949 में इसको भारत के संविधान में शामिल किया गया और इसके शामिल किया गया और इसमें काफ़ी विचार विमर्श हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको अनुमति मिल गई। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं मिस्टर सुनील कुमार जी को कहूँगा कि कुछ शब्द आके हिंदी में कहें हमसे। थैंक यू। नमस्कार, का सबका स्वागत है। या मैं इधर गाना गाने के लिए चला था कुछ हिंदी में। ओके, लोग मत इधर मत डरिए और या उदास से मत पाइए। दिस सॉन्ग इज फ्रॉम शंकर महादेव। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की ऋतु और रंगों की बरखा है। खुशबू की आंधी है, बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं, बदली हुई सी अब सारी दिशाएं, बदली हुई सी अब सारी राय, जागी मन के धड़क राय, दिल सांसों में तूफा ओट पे नगमे, आंखों में सपने, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे, जब कोई आए तो नजरों पे चाहे, दिल में समाए तो कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उस पाए, प्यार की चेहरे बिगड़ी तो फूल फिर ऐसा लगता था जैसे गोर के पीछे एक होश में दूल्हा हो, फूल खिला है जैसे बादल में एक चांद छुपाए, और झांक रहा है जैसे रात की पर्दे में एक सवेरा, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर जिसने प्रेम सीता की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहर बात करीब जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांद की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे में जाम गिरे और जैसे टूटे, जैसे कोई चांद की रात में गाए, जैसे कोई चांद में रात में हाय, जैसे कोई हाल से खास बुलाए, कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी जब मैंने जाना था नजरों से आर से, आर से पानी में कैसी मंजिल, और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर घर भी एक दिन पे, आज मेरे दिन और आज मेरी रात है, उनमें सिर्फ आंसू है, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बात है और फरियाद है, मेरा अब कोई नहीं मैं हूं और कोई हुए प्यार की बात है, आज मेरे दिन और आज मेरी रात है, उनमें सिर्फ आंसू है, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बात है और फरियाद है, मेरा अब कोई नहीं मैं हूं और कोई हुए प्यार की याद है, मैं हूं और कोई हुए प्यार की याद है। धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं कि दिवान शर्मा आए और कुछ शब्द हिंदी में कहें। नमस्कार, मेरा नाम देवेश शर्मा है। वैसे तो मैं मुंबई का निवासी हूं और अभी स्वाजीलैंड इत्तेफाक से आ रहा है। मेरा काम मोजम्बिक में है, लेकिन मैं संकटपूर्ण स्थिति में पड़ गया था जहाँ पर मेरे पासपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ। उस चक्कर में स्वाजीलैंड जब आया तो मेरा लास्ट पन्ना भी मकूल मिनिस्टर वालों ने थप्पा मार करके लास्ट पत्ता पे पन्ना भी वो इमनाजमेंट हो गया। यहाँ पे आकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्वाजीलैंड बहुत ही भावुक, बहुत ही अच्छी जगह है। एंड ये मौका, ये हिंदी दिवस का मौका जो मुझे बोलने के लिए दिया गया, मैं इस मौके पे एमबेसी और स्पेशली अम्बेसडर और बल्ला जी का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सतर्क होकर टाइमली होकर के मुझे जो 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 सेवा प्रदान किया और जो जो सपोर्ट दिया वो काफ़ी मैं शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हूँ उसके लिए, लेकिन मैं काफ़ी आभारी हूँ आप लोगों का। और परसों में वापस इंडिया चला जाऊँगा, बट कहना यह है कि मैं
ओवरऑल जो 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 मेरा जो जो यहाँ पे जो जो मैंने देखा वो एक ही बात कह सकता हूँ कि हमारी हमारी एम्बेसी जो है वो बिल्कुल इंडियंस के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है और मैं पूरा आभारी हूँ। मैं आसिफ भाई से अग्रह करता हूँ कि वो आए और कुछ शब्द कहें हिंदी में। सभी हिंदी वासियों का मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ जो हिंदी में लिखी हुई है मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लग जाती है क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गया। इस भाषा से अब हम नज़र चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सड़कों पर बिठाए, आओ हम सब फिर मिलकर फिर हिंदी दिवस मनाएं। अब मैं अपने दूतावास के स्थानीय कर्मचारी भविष्य को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। मेरा नाम चोमिसा लामिन है। मैं यहाँ पर जनवरी 2020 से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर हाई कमिश्नर साइबर का से काम कर रहा हूँ। मुझे हाई कमिशन में काम करके बहुत अच्छा लगता है। मैं भारत की उच्च मिस राधा मैडम पटकरमन को यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और कुछ शब्द हिंदी में कहें आप सबके। आप सबको मेरा नमस्कार। वैसे मैं अहिंदी भाषी हूँ, आप जैसे जानते हैं मैं केरल की हूँ और मेरी मातृभाषा तमिल है। फिर भी बचपन से ही मैं हिंदी के साथ वाकिफ रही हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में पैदा हुई थी, वहीं पढ़ी लिखी हूँ। तो प्ले स्कूल लेवल से मैंने हिंदी सीखा है पर मैं हिंदी में लिखती नहीं हूँ। लिखना चाहती हूँ मगर वैसे मैं लेखक नहीं हूँ, इसीलिए हिंदी में लिख नहीं सकती हूँ। इस कारण आपके साथ मैं जो आज बांटूंगी वो मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड का लिखा हुआ कुछ शब्द हैं। सफर
जारी है। हिंदी है हम वतन है, हिंदी हम सबकी शान है, जान है, पहचान है, अस्मिता है, हमारा गौरव है। देश की पहचान है हिंदी, माथे पर यश की है बिंदी, बांटे तो कह गए निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। तो हृदय की पीड़ा कम करनी है, क्लेश मिटानी है, तो करते रहिए हिंदी की सेवा, लगे रहिए अहर्निश इसकी प्रगति में, इसके उद्दान में, करते रहिए नित प्रति इसका प्रयोग, बढ़ाते रहिए इसे आगे, इसके बोलने व्यवहार करने में सकुचाइए मत, शान से बोलिए, इस भाषा में व्यवहार कीजिए, इससे आपकी इज्जत ही बढ़ती है। सबसे पहले मातृभाषा राष्ट्रभाषा की बात कीजिए, फिर चाहे जितनी मर्जी भाषाएं सीखिए, बोलिए, लिखिए, पढ़िए, किसी को क्या इतराज होगा। बस पहले अपनी भाषा को समृद्ध बनाए रखने के सारे यत्न कर लीजिए। हिंदी दिवस सप्ताह पखवाड़ा माह का आयोजन सभी में चेतना का संचार कर देता है। अरे सितंबर आ गया, बस अब हर रोज हिंदी पर विभिन्न दृष्टिकोण से संगोष्ठी सेमिनार वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। इससे बढ़कर एक वक्ता अतिथि अध्यक्ष के विचार सरणी का मनोहारी उद्योधन प्राप्त होगा। सब पुस्तकालय से पुस्तकें खोजने में लगे हैं कि हम सबसे अच्छा बोलें, ऐसी ऐसी सूचनाएं खोज कर लाएं कि शेष की बोलती बंद हो जाए, बस सब हमारी वाहवाही करने लगे। भाषा बहता नील है तो इसके साथ खुद भी प्रवाहमान होना होता है। देखा है ना, शांत जल को इसकी तलछट में सब गंदगी जमा हो जाती है और साफ सुथरा जल पारदर्शी हो जाता है। तो स्वयं लगातार शांत भाव से निरंतर हिंदी की धारा को प्रवाहित करते रहिए, प्रयोग में व्यवहार में ले आइए, सीखते सिखाते रहिए। सिखाने के लिए तो खुद को बड़ा पूरा होता है ना, अपनी टोकरी भरनी होती है तभी दूसरों को दिया जा या बेचा जा सकता है। रोज रोज पढ़िए, लिखिए, बोलिए, आदत में डाल लीजिए कि मुझे एक पृष्ठ रोज लिखनी ही है, पांच पृष्ठ पढ़नी ही है और कम से कम दो घंटे हिंदी में बात करनी ही है। बोलना ही क्यों, सुनने से भी भाषा समृद्ध होती है। तो जो सुने उसे पहले से निर्धारित कर ले, इससे आपका उच्चारण शुद्ध होगा, कहने का लहजा संवरेगा, आप टोन पकड़ पाएंगे, अल्प प्राण महाप्राण के अंतर को समझ पाएंगे, अनुसार अनुनासिका में भेद कर सकेंगे, सपाट बयानी से बच सकेंगे, बात कहने की अपनी अलग शैली विकसित कर सकेंगे, स्पष्टता और प्रकृता से अपने को रख सकेंगे, जहां बोलने खड़े होंगे अपना झंडा गाड़ कराएंगे। लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपके लेखन को बार बार पढ़ना चाहेंगे, आनंद सागर में चूक करेंगे। लोकोक्ति मुहावरों सूक्ति उदाहरणों का प्रयाग भाषा में चमत्कारिता ले आएगा। आप भाषा के स्वामी हो जाएंगे,
शब्द आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे कि वाक्य में हमें आदि अंत बीच में कहाँ रखा जाएगा, मात्राएं अलग बाट जो होंगी कि उन्हें वर्ण के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहाँ लगाना है, संधि समास तद्भव तत्सम युग्म सब आपके सामने बिछे रहेंगे कि हमें उठाओ हमें उठाओ, मुहावरे रूपोक्ति अलग पीछे पड़े रहेंगे, आपको सब सावधानी से उठाना होगा। अभिधा की अपेक्षा लक्षणा व्यंजना में बात करना सीख जाएंगे, सब सज जाएगा, बस प्रयास करते रहिए, लगे रहिए। हिंदी तो आपकी इतनी अपनी हो जाएगी कि सप्ताह पकौड़ा मास दिवस बनाने की जरूरत नहीं होगी, हर रोज हिंदी का ही होगा, केवल सितंबर मास की 14 तारीख नहीं। यह था बीना शर्मा जी का कर्तृत्व, ये केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक हैं। आजकल हम जानते हैं जमाना व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप में आपको कुछ ना कुछ रोज मिलता रहता है, तो कुछ चार लाइना मुझे जो मिले थे व्हाट्सएप में हिंदी में वो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। कभी साथ बैठो तो कहूँ कि दर्द क्या है, अब यूं दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे, सुख मेरा कान सका न जाने कितनों को चुप गया, आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया, दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया, वक्त एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते, दुनिया तो एक ही है फिर भी सबकी अलग है, दरख्तों से रिश्तों का हुनर सीख लो मेरे दोस्त, जब जड़ों में जख्म लगते हैं तो टहनियां भी सूख जाती हैं, कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं, मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखिए, एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन, जब जब तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा सावधान, तब तक कोई पंख काटने जरूर आएगा, हजार जवाबों से अच्छी है खामोशी साथ, न जाने कितने सवालों की आवृत्ति तो रखती है। सो ये कुछ चार लेना थे जो मुझे व्हाट्सएप पर मिला, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ बांटा है। हमारी मिनिस्ट्री ने इंडिया से कुछ वीडियो और संदेश भेजा है, हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर और विदेश में जुड़ने वाले सभी हिंदी प्रेमियों को मेरी तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर हमारे मिशन केंद्र समूह और शिक्षण संस्थाओं के साथ मिलकर व्यापक रूप से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें हिंदी प्रेमियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हिंदी भाषा सरल है, सहज है, वैज्ञानिक है, जैसा बोलो वैसा लिखो और जैसा लिखो वैसा ही बोलो, इन्हीं खूबियों के कारण हिंदी आज भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा है। इस बात की खुशी है कि हिंदी भाषा अब विदेशों में भी बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही है और वह भारत की कहीं ना कहीं पहचान बन चुकी है। वैश्विक मंचों पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हिंदी में दिए गए भाषण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का कद बढ़ाने में कामयाब हुए हैं।
उनके शब्द देश विदेश के हिंदी प्रेमियों के लिए प्रेरणा के स्रोत है और साथ ही युवा पीढ़ी भी अब बढ़ चढ़कर हिंदी बोलने में काफी दिलचस्पी ले रही है। मुझे विश्वास है कि हम सब हिंदी को सरलतम रूप में अपनाएंगे और अपने काम काज में दैनिक दिनचर्या की रोजमर्रा की भाषा की तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे और अधिक से अधिक इसका प्रयोग करेंगे। भारत सरकार की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना प्रेरणा और प्रोत्साहन है। यही कारण है कि हमें इसी राज संबंधी होने के कारण अनुदेशों एवं आदेशों का पालन तत्परता तथा ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है। आइए हम सब इस अवसर पर संकल्प लें कि हम सब मिलकर राजभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। एक शिक्षित सुदृढ़ और विकासशील से हटकर विकसित देश बनाने का प्रयास करेंगे। देश विदेश में रहने वाले हिंदी प्रेमियों से मुझे एक और गुजारिश करनी है, एक और बात मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को हिंदी भाषा तथा अन्य देश की भाषाओं में बातचीत करने के लिए आगे बढ़ाएं और उनको शिक्षा दीक्षा भी इन भाषाओं की अवश्य दें ताकि वे अपने संस्कारों से तथा भारत की संस्कृति से जुड़े रहें। एक बार फिर आज हिंदी दिवस के अवसर पर और हिंदी पखवाड़े के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। नमस्कार। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं विदेश में हमारे दूतावासों उच्चायोगों कौंसलावासों और हिंदी की प्रगति के लिए कार्य करने वाले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा समारोह में मनाने के लिए सभी लोगों ने पूरी लगन से काम किया है। जैसे जैसे भारत दुनिया में प्रगति कर रहा है, हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रति लोगों में रुचि बढ़ रही है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं उस विरासत के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसीलिए विदेश में विश्वविद्यालयों स्कूलों और अन्य संस्थाओं में हिंदी के प्रति और अधिक रुचि पैदा करना हमारा प्राथमिकता है। मुझे यह भी विश्वास है कि विदेश स्थित हमारे मिशनों के कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का उपयोग किया जाएगा। मैं एक बार फिर आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी दिवस के शुभ मेरा नाम कियामा है। सभी को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की शुभकामना। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। मैं हिंदी दिवस पर कुछ शब्द कहने के लिए यहाँ आई हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था। हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश के हर कोने में बोले जाने वाली भाषा है जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है। मेरी सभी से विनती है अंग्रेजी भाषा का मत करो इतना गुणगान, अंग्रेजी भाषा का मत करो इतना गुणगान, अपनी राष्ट्रभाषा को भी तो बराबर का सम्मान। अंत में इतना कहूंगी जन जन को जो मिलाती है
वो भाषा हिंदी कहलाती है। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं शांत कुमार। सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम कुछ शब्द पढ़ना चाहते हैं। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर सभी इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, ये विशेषता हिंदी में पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जन मन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रतिष्ठ संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीत भरी। भारत की अक्षुण्य एकता को हिंदी से मिली महत्व। सच्चा है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। नभ स्वतंत्रता एवं कृतज्ञ, भारत की भिन्न श्रद्धांजलि। करो यापन विश्व करो स्वागत, हे भाई हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो, हे विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की देश की भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेना, मुझे हिंदी आती है। मुझे ये कविता बहुत पसंद है और मैंने उसको बार बार पढ़ा है। वो आज मैं आपको भी सुनाऊंगी। इस कविता का उन्वान है ख्वाहिश। जिंदगी की उलझनों से डरकर वो हारा कब था। जिंदगी की उलझनों से डरकर वो हारा कब था। हालात से लड़ता रहा, ना लड़ता तो ऐसे ही गुजारा कब था। ढूंढते वो खामियां मुझमें तो कह दूं, हजार खामियां होंगी मुझमें, पर किसी को रुला कर मैं मुस्कुराऊं, ऐसा जीना मुझे गवाया ना था। मेरी उदासी का सबब न पूछो, वही बेहतर है तेरे लिए ऐ दोस्त। मेरी उदासी का सबब न पूछो, वही बेहतर है तेरे लिए ऐ दोस्त। दोस्त बनकर तू साथ तो रहा, दोस्त बनकर तू साथ तो रहा, पर सही मायने में तू हमारा कब था। मैं वो कश्ती हूँ जो सिर्फ उम्मीद के दम पर, मैं वो कश्ती हूँ जो सिर्फ उम्मीद के दम पर लहरों से लड़ता रहा उम्र भर। मैं वो कश्ती हूँ जो उम्मीद के दम पर लहरों से लड़ता रहा उम्र भर। एक उम्मीद थी जिंदा रखती थी, एक उम्मीद थी जिंदा रखती थी, वरना पास में कोई किनारा ना था। एहसास ना हो तो रिश्ते नाते सब खोखले हो जाते हैं साहेब। एहसास ना हो तो रिश्ते नाते सब खोखले हो जाते हैं साहेब। अपने अपने हिस्से की जंग है, सच कहूँ तो कोई किसी का सहारा कब था। अपने हिस्से की जंग है, सच कहूँ तो कोई किसी का सहारा कब था। कुछ अनकहा सा रह जाता है तेरे मेरे दरमियान, कुछ अनकहा सा रह जाता है तेरे मेरे दरमियान। तुझे देखता ही रह जाता हूँ और तो मुझसे पूछता है कि मैंने तुमको पुकारा कब था। रात का क्या है, गुजर ही जाएगी यह भी, सुबह आने की ख्वाहिश तो खुद में एक मिसाल है।
तो जिंदगी से आखिर हारा कब था।